चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के न्यू बाईपास सड़क NH 23 स्थित भालूकोचा में झामुमो के पूर्व केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा व सेवा ही संकल्प है के संस्थापक राकेश वर्मा ने विशाल जनसभा आयोजित करके 15 से 20 हजार समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। निवेदन सिंह सचिन भाई लक्ष्मण को गुपड़ू से अमरपुर जिला परिषद प्रत्याशी मंडल जी जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद राकेश वर्मा जी को जय श्री राम। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ते हुए भाजपा में शामिल हुए आज दल में शामिल हुए। मैंने जैसे कहा देश के विभिन्न हिस्सों में देखिए मैं तो पार्टी में मिला शर्त का आया हूँ और मुझे पार्टी का जो मिलेगा दिशा निर्देश जो भी NDA गठबंधन का होगा हमको उसमें कुछ नहीं। हम पार्टी का जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा मैं अच्छे से उसमें फॉलो करूँगा। मैं उसमें कोई टिकट की बात नहीं जाना। कितने लोगों के साथ आए आज आप देख लीजिए जनसंख्या आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके पत्रकार हैं मैं तो स्टेज में था आप बताइए कितने की भीड़ होनी चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ लोग तो बोल रहे हैं 10,000 कोई 15,000 आकलन आपको करना है। और जो लोग सोचते थे कि इचाड़ की मिट्टी में कीमत नहीं है इचाड़ की मिट्टी में जान नहीं है आज इचाड़ को मिट्टी ने दिखा दिया ये पाथुम की धरती ने कि इसमें कितना जान अभी बाकी है फिल्म अभी बाकी है तो ट्रेलर था है क्योंकि वर्तमान की सरकार आटी बेटी रोटी का सबसे बड़ा संकट पैदा करने वाली सरकार साबित हुई है। युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ यह सरकार कर रही है। ये झारखंड की जनता ने कहा है कि सरकार पाना ही हम लोगों का और इसीलिए सत्ता में रहने वाली पार्टी को भी लोग उनके 26-24 से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। आज हमने देखा पप्पू वर्मा जी उससे पहले चंपई जी आए पूरी तरह से अब मियां बीबी की पार्टी रह गई है मंडी बबली की पार्टी रह गई है सिर्फ ठगने का और अब ठग करके अपने परिवार अपने लोगों को बढ़ाने का एक मात्र सरकार रह गई है। तो इस सरकार को विदाई देने के लिए परिवर्तन का एक नेतृत्व माहौल झारखंड प्रदेश में बनाए और भारतीय जनता पार्टी अब ये समय का कुकर है और आने वाला झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार ही बनने जा रहा है। इसमें कोई दुराई नहीं है हर जगह समस्या है। कल हम संताल परगना किया घुमाड़ के आगे आदिवासी लोग आ गया वहाँ जब बांग्लादेशी घुसपैठी के चलते जो समस्या उत्पन्न हुआ वहाँ का समाज व्यवस्था बिगड़ गया माँ बहन बहु बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं। इसलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गए है सरकार बांग्लादेशी को उसको हर हाल में बांग्लादेशी को झारखंड से भागना होगा इसमें कोई रोक नहीं।